मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुबह रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव में शामिल हुए। सीएम साय ने कॉन्क्लेव में कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के कारण अनियमित वर्षा, लंबे समय तक सूखा, चक्रवाती वर्षा, वर्षा ऋतु के समय परिवर्तन जैसी चुनौतियां पूरी दुनिया के साथ ही देश और प्रदेश के सामने हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में प्रदेश की भूमिका और भविष्य की कार्य योजनाओं के लिए ये कार्यशाला बहुत उपयोगी साबित होगी। क्योंकि मुझे तुरंत स्टेशन जाना है, आज सौभाग्य का विषय है कि हमारी सरकार जो रामलला दर्शन योजना का वादा मोदी की गारंटी में किया है उसकी शुरुआत आज कर रहे हैं। आज पहला ट्रेन छत्तीसगढ़ से अयोध्या रवाना हो रहा है, तो उसको हरी झंडी दिखाना है, इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों से मिल के विदा चाहता हूं। तो पहले तो मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि ये कॉन्क्लेव यहां पर आयोजित हुआ है, और इसके लिए मैं अपने वन मंत्री जी और उनके विभाग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कॉन्क्लेव का आयोजन किए हैं। आज ये जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए एक विकराल समस्या बना हुआ है। जैसा पांडे जी बोल रहे थे कि 30 साल के पहले सब चिंता नहीं थी, लेकिन जिस तरह से आज हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ज्यादा सुख सुविधा की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये जलवायु परिवर्तन की समस्या पूरे विश्व के सामने में आया है, और इसके कारण कई तरह की विसंगतियां पैदा हो रही हैं। आज बेमौसम बारिश हो रही है, तो चक्रवाती बारिश हो रही है। पहले खाली बरसात के दिनों में बारिश होती थी, लेकिन आजकल बरसात के दिनों में कम बारिश होती है, बाद में ज्यादा बारिश होती है, कभी ज्यादा गर्मी पड़ती है, कभी ज्यादा ठंड पड़ती है, कभी ठंड नहीं पड़ती है, तो इस तरह से बहुत भी संगतियां हैं। ये सब प्रकृति के साथ खिलवाड़ जो हम मानव के द्वारा हो रहा है, सब ये कारण है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्क्लेव बहुत मील का पत्थर साबित होगा इस समस्या को दूर करने के लिए। और मुझे जानकारी है कि वर्ष 2015 में एक समझौता पेरिस में हुआ था, जिसमें 196 टोली, जिसमें कंट्री भी है लेकिन संस्थाएं भी हैं, इसलिए 196 कंट्री नहीं कह के 196 टोली हैं जो इसके लिए चिंतित हैं, और सबकी जवाबदारी है कि जलवायु ठीक हो पूरे विश्व में। इसकी चिंता करने की जवाबदारी विशेषकर जो समझौता में जो 196 जो टोली शामिल है उनकी जवाबदारी है, और कहीं ना कहीं उसी के तहत ये सब सारा कॉन्क्लेव हो रहा है। और वास्तव में ये चिंता का विषय भी है, लेकिन मैं समझता हूँ किस तरह से प्रयास करेंगे तो जरूर हम लोग उसमें सफल होंगे। हमारे मंत्री जी कुछ देरी तक आप लोगों के बीच में रहेंगे, बाद में उनको भी हमारे साथ बस्तर के दौरे में जाना है, और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए ये कॉन्क्लेव सफल हो और इसका सार्थक परिणाम हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे देश को मिले। इसमें जो अन्य टोलियों के जो अच्छे प्रयास हैं उस पर भी यहाँ पर विचार होगा, और उसका अनुसरण हमारा ये छत्तीसगढ़, हमारा ये विभाग करेगा, और उसमें कहीं ना कहीं हम सब लोग सहयोगी बनेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस पर बहुत चिंतित रहते हैं, और कई तरह का उपाय उनके द्वारा भी हो रहा है, अभी समय नहीं है सब बताने का, आप सब लोग जानते भी हैं, इसलिए मैं और ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए फिर से योजना का वादा मोदी की गारंटी में किया है उसकी शुरुआत आज कर रहे हैं। आज पहला ट्रेन छत्तीसगढ़ से अयोध्या रवाना हो रहा है, तो उसको हरी झंडी दिखाना है, इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों से मिल के विदा चाहता हूं। तो पहले तो मैं बहुत शुभकामनाएं
देना चाहूंगा कि ये कॉन्क्लेव यहाँ पर आयोजित हुआ है और इसके लिए मैं अपने वन मंत्री जी और उनके विभाग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कॉन्क्लेव का आयोजन किए हैं। आज ये जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए एक विकराल समस्या बना हुआ है। जैसा पांडे जी बोल रहे थे कि 30 साल के पहले सब चिंता नहीं थी, लेकिन जिस तरह से आज हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ज्यादा सुख सुविधा की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये जलवायु परिवर्तन की समस्या पूरे विश्व के सामने में आया है और इसके कारण कई तरह की विसंगतियां पैदा हो रही हैं। आज बेमौसम बारिश हो रही है तो चक्रवाती बारिश हो रही है। पहले खाली बरसात के दिनों में बारिश होती थी, लेकिन आजकल बरसात के दिनों में कम बारिश होती है, बाद में ज्यादा बारिश होती है, कभी ज्यादा गर्मी पड़ती है, कभी ज्यादा ठंड पड़ती है, कभी ठंड नहीं पड़ती है, तो इस तरह से बहुत विसंगतियां हैं। ये सब प्रकृति के साथ खिलवाड़ जो हम मानव के द्वारा हो रहा है, सब ये कारण है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्क्लेव बहुत मील का पत्थर साबित होगा इस समस्या को दूर करने के लिए। और मुझे जानकारी है कि वर्ष 2015 में एक समझौता पेरिस में हुआ था जिसमें 196 टोली, जिसमें कंट्री भी है लेकिन संस्थाएं भी हैं, इसलिए 196 कंट्री नहीं कह के 196 टोली हैं जो इसके लिए चिंतित हैं और सबकी जवाबदारी है कि जलवायु ठीक हो पूरे विश्व में। इसकी चिंता करने की जवाबदारी विशेषकर जो समझौता में जो 196 जो टोली शामिल है उनकी जवाबदारी है और कहीं ना कहीं उसी के तहत ये सब सारा कॉन्क्लेव हो रहा है।